नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। क्लीन बोल्ड होने के बाद भी नॉट आउट, फील्डिंग टीम ने नहीं की अपील, जिसकी वजह से दिखाई है डिसीजन। देखेंगे मजेदार वीडियो, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। अक्सर अंपायरों को दोस्तों मैदान पर गलतियां करते हुए देखा गया और इनके लिए दोस्तों उनको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, जब गलती फील्डिंग टीम की साइड से और बल्लेबाज आउट होने के बावजूद अगर वो अपील ना करी जाए तो दोस्तों इसमें किसका कसूर है। ऐसा ही दृश्य दोस्तों महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग 2021 में देखने को मिला, जहां क्वींसलैंड और तस्मानिया के बीच खेले गए मैच में एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। क्वींसलैंड की ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्जिया वुल क्लीन बोल्ड होने के बाद भी नॉट आउट रही। ये घटना पहली पारी के 14वें ओवर में घटित हुई, जब जॉर्जिया वुल के क्लीन बोल्ड होने के बाद तस्मानिया के दोस्तों किसी भी फील्डर ने अपील नहीं की। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान कमेंटेटर को यह लगा कि विकेटकीपर के दस्तानों के कारण वेल्स गिर गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि ये रहस्य तब सुलझा जब बड़े पर्दे पर रिप्ले दिखाया गया। इस घटना का वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारी वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों बॉल विकेट पर लग गई थी और वेल्स भी गिर चुकी थी, पर दोस्तों किसी भी फील्डर ने अपील नहीं करी, जिसके चलते दोस्तों जॉर्जिया वुल को नॉट आउट करार दे दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।